लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लोकमान्य तिलक विद्या बिहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2022 में विद्यालय में विभिन्न संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों और उनके माता पिता का सम्मान समारोह विद्यालय परिसर स्थित बलिदानी राजा भाऊ महाकाल सभागृह में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन व सरस्वती पूजा के साथ हुआ। विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता थे। मंच पर लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल, कार्यपालन अधिकारी गिरीश भालेराव एवं प्राचार्य ज्ञानेंद्र शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं अतिथि परिचय श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी ने दिया। मुख्य अतिथि अंशुल गुप्ता का स्वागत समिति के अध्यक्ष व कार्यपालन अधिकारी ने शॉल, श्रीफल, माला तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। विद्यालय के विद्यार्थी कुमार कृष्णा राठौर ने हिंदी, कुमार भक्ति प्रजापति ने संस्कृत एवं युवराज शर्मा ने अंग्रेजी में लोकमान्य तिलक जी के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके पश्चात मंचासीन अतिथियों द्वारा विद्यालय में कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त प्रथम तीन विद्यार्थियों श्री कृष्णा यादव, सुश्री अनुष्का पवार, सुश्री सौम्या शुक्ला तथा कक्षा 12वीं में गणित संकाय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त अभिषेक तोमर, जीव विज्ञान संकाय में अनुराग शर्मा, वाणिज्य संकाय में नीलेश पाटीदार, कला संकाय में सुश्री यशस्वी चौहान तथा कृषि संकाय में श्री पंकज पाटीदार व इन सभी के माता पिता का भी अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीत की प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि शंकुल गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक औसत भारतीय एक औसत अमेरिकी से अधिक समझदार होता है। विद्यार्थी पुराने अनुभवों से सीख लेकर कुछ नया करें, यही भाव सभी विद्यार्थियों में होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है। मानवीय सभ्यता के विकास के लिए अपना योगदान अवश्य दें। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो और कोई अन्य, उसे अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। वर्तमान डिजिटल युग में विद्यार्थियों के लिए अपार ज्ञान का भंडार है, जिसका लाभ विद्यार्थियों को अवश्य लेना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष किशोर खंडेलवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज देश के लिए जीवन जीने का समय है। विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक बनने के साथ ही श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा फहराने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थी प्रियांशु गुर्जर एवं जानवी भागवत ने किया तथा आभार कार्यक्रम संयोजक रेखा मेहता ने माना। इस अवसर पर शिक्षण समिति सदस्य साशा जैन, पुरस्कृत विद्यार्थियों के माता पिता तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। और इसलिए इस देश की, इस मिट्टी ने, धरती ने हमारे जीवन को, समाज जीवन को, व्यक्ति जीवन को, राष्ट्र जीवन को, इस राष्ट्र को पुष्टि करने के लिए जो कुछ दिया है, तो एक श्रेष्ठ नागरिक बनके हम इसे वापस उससे कहीं दुगना और अधिक से अधिक देने का प्रयत्न कैसे करेंगे, उसके लिए भी बहुत सारे विषयों पर माननीय अनिल जी ने हमको बताया। ये जो है एक ओकेशन होता है कि इससे हमको जीवन में एक्सेल करने की प्रेरणा मिलती है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि पाश्चात्य देश जो हैं, अमेरिका में, यूरोप के देश, इन देशों के लोगों के पास ऐसा क्या है कि ये लोग से विज्ञान में करने थे, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ विदेश में जाऊँ तो हमारी कल्चर से वो महसूस हो जाए। तो ये वो सब भारतीय क्यों होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति भी अच्छे से लगा रहा है, जो दुकान चला रहा है, अरे ये भी लगा रहा है, ये उत्तर भारतीय जो है वो सब समय जैसे फिलहाल इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।